नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में कुक विद बीनू। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी लेकर। आज की हमारी रेसिपी है नमकीन। मैं ये मिक्सचर बनाने वाली हूँ आज। इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि आपको मेरी नई नई अपडेट्स मिलती रहे। अब हम देख लेते हैं इसमें मुझे क्या क्या लगेगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। किशमिश लिया है, हाफ कप बादाम लिए हैं, 1 कप पीनट्स लिया है, काजू लिए हैं हाफ कप, और मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है, और 2 आपको ये चाहिए हल्दीराम के आलू भुजिया, और खट्टे के लिए मैंने ये लेमन यूज़ करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, और ब्लैक पेपर और रेड पेपर दोनों चाहिए, और ये टर्मेरिक पाउडर चाहिए 1 स्पून, और थोड़ी सी मैंने शुगर ली है, और करी पत्ता डालूंगी तड़का में, और मैंने पोहा लिया है 1 बॉल भर के। अब हम देखते हैं इसको बनाना शुरू करेंगे। मैंने फ्लेम मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख ली है। अब हम सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स अपने फ्राई कर लूंगी। घी गर्म हो चुका है, बादाम फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। ऐसे ही मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है, और ब्राउन हो जाएगा तो मैं निकाल लूंगी। ये देखिए हमारी पीनट फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। काजू फ्राई कर रही हूँ। ऐसे ही हमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेना है। अब मैं किशमिश फ्राई करूंगी। अब देखिए हमारे किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। मैं इसमें मखाना फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारा मखाना भी फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल लूंगी। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रख लिए हैं। अब मैं पोहा को फ्राई करूंगी, इसको चौड़ा भी बोलते हैं ना, चौड़ा को फ्राई करूंगी। घी में ही मैं हमें धीमी आंच में करना है, एकदम तेज आंच नहीं देना है, क्योंकि कम घी में इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, मैंने और एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। हमें इसको धीमी आंच पर फ्राई करना है धीरे धीरे, ताकि हमारा अच्छे से क्रिस्पी बने। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हमारा चौड़ा फ्राई हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूंगी। फिर उसको थोड़ी देर तक फ्राई करना है, ताकि हमारा चौड़ा सॉफ्ट ना हो लेमन जूस से।
कर रही हूँ सॉल्ट, अब मैं डाल रही हूँ रेड पेपर और ब्लैक पेपर, थोड़ी सी एक स्पून चीनी, इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पिसी चीनी भी ऐड कर सकते हो, मैंने दानेदार ले लिया, पिसा नहीं था मेरे पास। ये देखिए कितना अच्छा से कलर आया है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हो, बट मैंने चाट मसाला की जगह मैंने सुगर और सॉल्ट यूज किया है, मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए था इसलिए मैंने लेमन यूज किया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई कर लिए थे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू भुजिया मैंने दो पैकेट मंगा दी थी। मैंने ये रेसिपी लॉकडाउन के समय पे सीखी थी, जब हमारा हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हम बाहर नहीं जा रहे थे, तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। उसके बाद से फिर मैं ये बनाती रहती हूँ, मैं बाजार से नहीं लाती हूँ, बहुत कम लाती हूँ। बस इस तरह से आप हेल्दी स्नैक्स बना के रख लीजिए, इसको आप सुबह सुबह टी के साथ ले सकती हैं, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मैंने ऐड किया है और घी ऐड किया है। बहुत अच्छा सा स्नैक्स तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए दोस्तों हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, इतना हेल्दी मिक्सचर तैयार हुआ है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर हमें कमेंट्स करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके लिए आप इसको बनाना पड़ेगा, एक बार आप जरूर बनाइए और कमेंट्स करना नहीं भूलिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। बहुत क्रिस्पी बनी है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनी है, आप इस मिक्सचर को जरूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।